हाँ जय गुरुदेव, प्रणाम सर। जय गुरुदेव, जय गुरु, बहुत आनंद की बात है आपके दर्शन में। प्रसाद बांटिए जी सर, बहुत प्रसाद बांटिए। आज तो जन्माष्टमी का उत्सव का स्वरूप है। नंदगांव में तो आज मना रहे हैं, बाकी ब्रज जो है वो कल कर रहा है उसको अपने पंचांग के अनुसार। नंदलाला का जो मूल स्थान नंदगांव है वो श्री रक्षाबंधन। आवाज आ रही सर ठीक से? बहुत सुंदर आवाज ठीक से आ रही है ना? ठीक, बहुत सुंदर, बहुत ठीक। रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन जो है नंदगांव अपना उत्सव मनाता है, चाहे कोई तिथि आगे हो, चाहे घटे, चाहे बढ़े। उनका ये भाव है कि लाला के आगमन की सूचना के बाद में जोग लगन ग्रह वार तिथि सब भय अनुकूल। कोई ग्रह नहीं रहता, कोई पंचांग नहीं रहता, सब अनुकूल हो जाते हैं, एक ही रह जाता है, सारे ग्रह अनुग्रह में बदल जाते हैं। तो अनुग्रह के पीछे सब ग्रह हो जाते हैं, तो इसलिए वो 8वां दिन गिन लेते हैं। कोई तिथि नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा तो ऐसा एक बार बाबा महाराज की कृपा से नंद का जो स्वरूप है नंद गांव का, वो अभी भी कहते हैं मेरा तो गांव है ये, यहाँ तो मेरे निजी उत्सव होते हैं। तो वहाँ का जो परिवार है, जो ब्रजवासी हैं, नंद गांव के वासी हैं, उनके भाव से एक बहुत ही मधुर स्मरण आ गया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई नंदलाला का जन्म कहीं पर भी मना ले, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जहां जिसका मन होगा वो मना ले, मानसिक रूप से किसी तिथि में मनाता रहे, परंतु दो ऐसे उत्सव हैं जिसके लिए नंदलाला को नंदगांव में ही आना पड़ेगा, और जब हम कहेंगे तब आना पड़ेगा, हमारा सखा है। मैंने कहा कौन से ऐसे दो उत्सव हैं? कहने का एक जो है नंद उत्सव जिसमें बधाई उत्सव होगा, उसको लेने के लिए यही आना पड़ेगा। दूसरा गोचारण लीला गोपाष्टमी, गोचरण और जगह उसकी अनुकरण हो सकता है लेकिन गोचरण यही आना पड़ेगा। तो इसलिए आज भी पूज्य बाबा महाराज ने इन सारी लीलाओं के जो रहस्य हैं और जो इसमें रस भरा हुआ है, और जो पांडुलिपि में ब्रजवासियों ने अपनी अनुभूति कर और उसकी कृपा से उसको अपनी भाषा में ही अभिव्यक्त किया है, तो यही बाबा महाराज का एक वो रहा कि जब ये इस्कॉन में और हरे राम हरे कृष्णा के पूरे उस आंदोलन ने और सभी लोगों को आकर्षित किया कि ऐसा क्या रस है जो ब्रज के इस रस में हम भी डूबे जा रहे हैं, तो उनके सारे के सारे लोगों ने कहा कि इसके लिए तो वृंदावन में ही जाना होगा, हमारे अपने देश में तो इस प्रकार का कोई है ही नहीं, हमारी कोई संस्कृति में इस प्रकार की विरासत नहीं है। तो ये एक शंका होने लगी, ऐसा भाव है, क्योंकि ये इतनी पांडुलिपि का और सबको जो है एक संग्रहित करके और उसको सुरक्षित करने का जो भाव है, तो उनने लगा कि ऐसा ना हो केवल यहाँ की भाषा को जो कि एक व्हीकल ऑफ थॉट्स है उसको कोई समझ करके और उसका अनुवाद अपनी भाषा में कर और उस प्रकार के जो है इस हमारी संस्कृति की इस धरोहर को जो है वो इसको मिटाने का प्रयास करे, जैसा कि पूर्व में वैदिक संस्कृति को लेके हो चुका है, क्योंकि ये वेदों का भी सार है, रस है, सबका सब कुछ जो है अभिव्यक्त ना हो सके तो भी ये ब्रज रस की जो ये निधि है, जो ये ब्रजवासियों का जो मधुर प्रेम है, इस भाव में सब कुछ छिपा हुआ है, ये अपने को प्रकट कर देगा लीला के माध्यम से, इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उसमें उन लीलाओं की वो मधुर स्मृति है जिसमें सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सारा कर्म, सारा योग उस लीला के माध्यम से जो उन्होंने पूर्णता का जो संदेश दिया है। तो ऐसा हुआ कि बरसाना की तपस्थली है गुरुजी महाराज की, श्री जी के श्री चरणों में 10 वर्ष तक जो है उन्होंने ब्रजवासियों के साथ मधुर सत्संग, जिसको वास्तव में ब्रज की लीलाओं में प्रवेश का अनुभव करते हुए, तो ऐसा एक बहुत भक्त हृदय ने जिनके यहाँ पर महाराज जी का सत्संग भी रहता था, बिल्कुल अनौपचारिक, बिल्कुल सरल सहज भाव में, उन्होंने कहा कि एक ब्रज गोपी के घर पर उन्होंने देखा जहाँ मधुकरी के लिए जाते थे, और बिल्कुल जो वहीं की उसी ब्रज की जो है वो मधुर लकड़ी जिसको लेकर के कभी सुदामा और कृष्ण जो है गुरु कृपा पे गए होंगे, उसी से तैयार की अपने चूल्हे की, और वो जो है मधुकरी लेकर के अपने को धन्य पाते थे गुरु जी महाराज।
क्योंकि उस रस को ही प्रकट होना है। तो उन्होंने देखा कि इनके बालक जो हैं, अब जब वहां गोप नहीं है और उनके घर पे ये रखा हुआ है हस्त लेखित सारा का सारा सामग्री, और उसको कोई जो है रसास्वादन करने वाला भी नहीं है, क्योंकि ब्रज गोपी को तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो तो उस भाव में जो है सहज भाव में ही अपना है, उसे किसी बुद्धि लगाने की, किसी पढ़ने की, किसी वाणी की आवश्यकता नहीं है। परंतु छोटे छोटे बालक क्या कर रहे हैं कि वो स्कूल के बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल था वहां पर, वो अपने अपने घर से, वैसे वैसा उनको पेपर मिलता नहीं था क्योंकि अब से वो 40-50 वर्ष पुराना जो बात है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग भी अपनी स्मृति में इस बात को रखते हैं कि उससे उसको फाड़ करके और हवाई जहाज बना करके खेल रहे हैं। तो बाबा महाराज ने कहा कि इसका ये उपयोग हो रहा है, तभी उनको ये भाव जगा। तो ब्रज गोपियों की छोटी छोटी समस्याएं जो उनके विवाहों को लेकर के और लेकर के बाबा महाराज ने अपने उस बौद्धिक स्तर से उनका समाधान करते हुए उनकी पांडुलिपियों को उनसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया, और उनसे उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि जब किसी गोपी की जो है वो लाली का जन्म हुआ सुरक्षित रखने के लिए क्या होगा कि फिर ये प्रामाणिक होगी और ये कोई भी किसी का इसमें ऊपरी लेखन नहीं हो पाएगा और मूल की व्याख्याएं हो सकेंगी, परंतु ये ब्रज रस का जो है वास्तविक निरूपण करने के लिए आगे खड़ी हो जाएंगे। तब सब सारे ब्रज वासियों से उन्होंने जो जो उनका भाव था, जिस रूप में भी सेवा रूप में किया, तो किसी से कहा नहीं कि ये हमको दे दो, किसी से खरीदा नहीं, केवल बाबा महाराज के भाव को देख करके उन ब्रजवासियों ने ये करके कि ये इसका सदुपयोग होगा आने वाले समय में, इसको जो है शिक्षा के साथ जोड़ करके और एक ऐसा संदेश जाएगा कि जो सदैव जो है उनकी लीलाओं के साथ जुड़ा रहेगा। तो इसी भाव से वो सब इकट्ठा होता रहा, उनके पास कोई ऐसा स्थान भी नहीं था कि कहाँ इनको होगा, तभी वो जयपुर मंदिर के प्रारंभ से जहाँ ब्रज अकेडमी का स्वरूप बना। तो आज मुख्य रूप से क्या हुआ कि इसमें तमाम गुरु कृपा की जो स्मृति है, उन्होंने जो जिससे कहलवाना चाहा, कभी नहीं कहा कि ये पढ़ो, ये लिखो, ये करो, परंतु ऐसी कृपा करके संतों के साथ, बड़े बड़े शिक्षाविदों के साथ, उनसे वो जो है रस की प्राप्ति कराते रहे। तो जो डोगरे जी महाराज की जो कथा का स्वरूप है, उसके माध्यम से भी, और स्वयं भी जब उस स्थिति में आकर के उनकी जो भाव की अभिव्यक्ति है, तो उच्चतम शिखर की स्थिति में रहती है। तो अब ये जो है, जो संदेश है जिसका सहारा लेकर के आज ये बात आ रही है, एक पत्र के स्वरूप में है जो अपने प्रिय शिष्यों को उन्होंने भागवत जी के माध्यम से भेजा जहाँ पुणे में थे, और अब से लगभग ये जो है वो 38 वर्ष 35 और 21, तो काफी पुराने संस्मरण है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का ही है। और बाबा महाराज का कहना है कि भावना की चिन्मय भूमि गोकुल में विराजमान श्री गोकुलेश प्रभु की कृपा स्मृति, गोकुल की भूमि में गोकुलेश महाराज की कृपा स्मृति है। ये पूज्य डोगरे जी महाराज ने भी इस बात को अपना रखा कि ये जो देह है यही मथुरा है, इसी में जीव जो है वो बंधन में है, और इसी में जो गो है वो इंद्रियों का जो समूह है, जो हृदय प्रदेश है वही गोकुल है, वही उसका प्राकट्य होना है। तो महाराज श्री ने कहा कि अनुभव किया उस कृष्ण जन्माष्टमी को कि क्या वो लीला है जो रात्रि के 12 बजे किस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है, तो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर्व पर वो किसी प्रकार से स्मृति के साथ जुड़कर उस भाव में और उस रस की प्राप्ति कराने में समर्थ है। सच्चिदानंद आनंद कंद जीवन धन श्री कृष्ण की अवतरण जन्माष्टमी की अर्धरात्रि ये बेला, गोकुल की चिन्मय यमुना तटीय भाव भूमि पर अद्भुत रोमांच का सृजन कर रही हो। भाव भूमि जो गोकुल है, जो हृदय प्रदेश है, और यमुना तट पर है, यमुना जो है भक्ति महारानी है, जो भक्ति के तट पर, उस भाव भूमि पर जहां वो गोकुल का हृदय प्रदेश है, भावना की इस चिन्मय बेला में जीवन की आंतरिक अभिव्यक्ति को आच्छादित करके एक सहज बोध स्मृति जीवात्मा के सच्चे संबंध को उसके स्मृति पटल पर स्थापित कर रही है। कृष्णाकार वृत्ति से जीवन तादात्म्य हो, इस संबंध स्मृति की यही पृष्ठभूमि है।
इस संबंध स्मृति को जीवन के अंतर्भाव सृजन से जोड़ने वाली भगवत कृपा है। जैसे ही जीव आत्मा को उसके सच्चे संबंध स्मृति परिचय और सहज बोध का उद्दीपन होता है, वैसे ही जीवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद महोत्सव उच्छलित होने लगता है। तो ये है कि जैसे ही उस स्मृति का लाभ हो जाए, जो अर्जुन ने भी कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, उसी को भाव जगत में कहा कि जब उसको सच्चे संबंध की स्मृति हो जाती है, जब उसका परिचय हो जाता, तब सहज बोध का उद्दीपन होता है। इसी को कहा जाता है कि वसुदेव जो है वो शुद्ध अंतःकरण है और देवकी सात्विकी बुद्धि है। जब दोनों का मिलन होगा तभी प्रेम के रस का जो है अवतरण होगा। ये अंतःकरण वसुदेव और देवकी, उनके मधुर मिलन का जो संयोग है तो तभी उसका होगा। तो ये गुरुजी महाराज का फिर इस बारे में आया कि इसका किस प्रकार का एक सूक्ष्म स्वरूप, चूंकि हमको गोकुल में भी उस आनंद का एक अवसर महाराज की कृपा से हुआ। रात्रि में जो है वो किया हम लोगों ने अभिषेक और सब ब्रज एकेडमी में, और अगले दिवस पर बाबा महाराज ने व्यवस्था कर दी कि गोकुल के उत्सव में जाकर के देखी। उसके बाद से नंद उत्सव में जो है, पिछले 5-7 वर्षों से नंद उत्सव में कृपा हो रही है, लेकिन गोकुल के उत्सव की आज स्मृति, क्योंकि उन्होंने कहा कि गोकुल का यह उत्सव है, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वहां स्थिति आई तो उसमें आता है जो वर्णन है पूज्य श्री डोगरे जी महाराज का, कि गांव के एक एक व्यक्ति को लगता कि कन्हैया उसी का है। गांव के सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई तो वे सब उसके दर्शन के लिए दौड़ चली, मानो नवधा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही है। जब ब्रज गोपी नंद बधाई के लिए जाना चाहती हैं, तो ये उसकी पृष्ठभूमि है। कितना भावात्मक सृजन है, गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं, हम तो कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य का समाचार हमने ही सबसे पहले सुना है, हम तो कन्हैया का वासुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा कि जब तक मैं पिंगलता नहीं हूं आनंद आता नहीं है। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं, अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा मिलेगा। सभी को आनंद का अनुभव हो रहा था। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झड़ रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के हम योग्य नहीं है, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारे चरण रज से पावन हो जाएंगे। बाबा महाराज ने कहा कि इसी आनंद की परिकल्पना और दर्शन श्री माता यशोदा और बाबा नंद के वात्सल्य और स्नेह भरे उल्लास को लेकर श्री सूरदास जी ने गाया है, आज गृह नंद के बधाई, आज गृह नंद के बधाई, प्रात समय मोहन मुख निरकत, कोटि छंद चवि छाई, मिली ब्रज नारी मंगल गावत, नंद भवन में आई, देद असीस जियो जसुमति सु कोटिक बरस कनाई, नित आनंद बढ़त वृंदावन, उपमा कही न जाई, सूरदास धन्य धन्य नव धरती देखत नैन सिराई। तो बाबा महाराज का यह कि वो सारे उत्सव डोगरे जी महाराज के माध्यम से ये अभिव्यक्ति आए कि उत जो है वो ईश्वर का स्वरूप है और सव जो है वो प्राकट्य का है। तो जब ईश्वर का प्राकट्य हो तभी उत्सव है। तो उसने कहा कि हर उत्सव को उसके प्राकट्य के साथ, उस आनंद के साथ जोड़ करके उत्सव है। श्री उद्धव जी से भी ये अभिव्यक्ति आई कि मैं ब्रज में जहां पर भी उत्सव होंगे मैं उसमें उपस्थित रहूंगा, उसके उसका आनंद रहेगा, आपके प्राकृतिक आनंद रहेगा। तो इसलिए ये सारा का सारा जो स्वरूप है, जिसको महाराज श्री इस बात से जोड़ना चाहते हैं कि ये जो निधि है, ये जो इसका सदुपयोग करे और आने वाले ये काल बाधित ना रह जाए, चूंकि नित्य लीला है, परंतु नित्य लीला का स्वरूप जो है वो उसके साथ जुड़ने के लिए शिक्षा का जो माध्यम है, वो शिक्षा जब अपना वो स्वरूप धारण करेगी कि प्रज्ञा के साथ भी और रस के साथ भी, तभी उन दोनों के मिलन से उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो सदैव सुरक्षित रहेगा। इसीलिए कि कौन इस विधा को जो है उसके साथ सुरक्षित रखे, इसका जो सारे के सारे ज्ञान को
जो है इसको उसके साथ जोड़ने के लिए कैसे वो तैयारी हो, कैसे वो शिक्षा जो है उस प्रज्ञा भूमि को रस से जोड़ने के लिए बने, कैसे उस मस्तिष्क की ये कंडीशनिंग हो के उसको वो अपने को हृदय के साथ जोड़ करके, रस भूमि के साथ जोड़ करके और उसका अनुभव करा सके। तो इसलिए क्या है कि ये जो प्रकल्प है शिक्षा का, तो ये वैदिक गणित का जो आपसरी का जो प्रकल्प है, ये उस शाश्वत भारती के प्रकल्प का ही वैदिक गणित प्रकल्प है। क्योंकि ये क्या करता है कि ये उस सारी की सारी विधा को जो है मस्तिष्क को उस स्तर को प्राप्त करा देता है कि जिससे उस प्रकल्प के बारे में जो अनागत है और जो वर्तमान है और जो अतीत है उन सबको जोड़ करके और कालज्जय चेतना के साथ जोड़ने का एक स्वरूप धारण करा देता है। इसलिए क्या होगा कि जब भी जो है वो शिक्षा की स्थिति आएगी वर्तमान में, तो उसको अद्यावधिक स्थिति में उस रस से संस्पर्श कराने के लिए ये प्रकल्प जो है वो सदैव तत्पर रहेगा, क्योंकि इसका मूल जो स्वरूप है वो वृंदावन में और उस रस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है जो नित्य स्वरूप है। ये आह्लाद होता है, इस बात को लेकर उल्लास होता है कि ये विधा जिसके लिए आपको अब से लगभग 35-36 वर्ष पूर्व और ये आशीर्वाद के साथ चुना गया कि आपका जो प्राकट्य है, आपका जो अवतार है, चूंकि नित अवतार है हम सब, कि आपका अवतार तो वैदिक गणित के लिए आया है। और वैदिक गणित क्या होगा कि विज्ञान तो सब करेंगे, कहेंगे हम ज्ञान भी देंगे विज्ञान भी देंगे, लेकिन जो गणित उसकी जो रानी है, जो क्वीन है साइंस की, वो क्या करेगी कि उसको शुद्ध रूप में ही प्रकट करेगी। वो उसमें जो है कोई अपनी ओर से उसकी व्याख्या न करके उसके मूल स्वरूप को जो है बताएगी, क्योंकि वो मूल स्वरूप जिसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसी कृपा आपने करके इसको प्रसंग को जो है गुरुजी महाराज की कृपा से प्रारंभ करने का जो ये वो किया है, ये जो एक प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति को साकार स्वरूप देने का जो सिलसिला चला है, तो आज क्या है कि ये लग रहा है कि इस उत्सव में, और जहां उन्होंने कहा कि इस प्राकट्य के इस उत्सव में, और प्राकट्य वहां हो रहा है और हृदय प्रदेश में उसका अनुभव हो, निरंतर अनुभव हो, तो तभी कहा गया कि उस हृदय प्रदेश में जब उनको विराजमान कराओगे उस मंदिर में और उनकी जो है सेवा और पूजा होगी, तभी जो है वो प्रज्ञा और रस भूमि तैयार होगी, वो समर्पण की स्थिति होगी, वो समर्पण जो भक्ति भाव से यहाँ हो रहा है और जो उसके आगे होकर के रस के माध्यम से हो रहा है, उसी समर्पण को जो है गीताजी में जो है उन्होंने वहां पर करा दिया, कृष्य वचनमतो, तो वो समर्पण जब उनकी उस बुद्धि का हो गया, जब उन्होंने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और वो स्मृति बोध हो गया, अरे मैं केवल आपका हूँ और केवल आप मेरे हैं और बाकी सब आपकी लीला का है स्वरूप, पर मैं उसका एक दिव्य उपकरण आपकी कृपा से बना हुआ हूँ। इसलिए ये सारा का सारा जो है आज बहुत सारे संस्मरणों को जो है केंद्रित कर इसी उत्सव तक सीमित रखने का मन हुआ, क्योंकि अन्यथा इसमें हो क्या रहा है कि मैं ये स्पष्ट कर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक निवेदन है कि मैं इसके लिए कभी तैयार इस रूप में नहीं रहा, और बाबा महाराज ने जिन संतों के माध्यम से और जिन जो है मनीषियों के माध्यम से इसको रस को जो है वो प्राप्त कराते रहे, वो मेरी बाल हट के कारण, नहीं तो मुझे कुछ करने के लिए था नहीं। 1995 में उन्होंने तो तैयारी करा दी, कहने लगे कि तुम्हें अगर ये भान हो कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, तो ये सिर्फ का ज्ञान का अभिमान भी दूर कर लो, तो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये बात जब बोध में आई कि अरे ये सारा पठन पाठन तो अज्ञानता को दूर करने के लिए है, क्योंकि ज्ञान तो स्वतः ही प्राप्त है, और अगर शरणागति में वो ज्ञान प्राप्त हो लेकिन वो विश्वास हो जाए कि अब कुछ करना बाकी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा। गोपियों ने कहा कि आप ये बताओ कि आप कह रहे हैं कि तुम जा करके अपने पतियों की सेवा करो, महाराज के समय पर अपना घर छोड़ करके आई हो, तो उन्होंने कहा क्या फल मिलेगा उसका। उन्होंने कहा तुम्हारा ऐसी स्थिति होगी, तुम्हें मोक्ष होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें भगवत दर्शन होगा। उन्होंने कहा तो हमें अभी प्राप्त है, तो इसलिए ये क्यों बीच का प्रपंच खड़ा कर रहे हो। तो ये हमारी मेरी स्वयं की अजानता महिमानम त्वेदम मया प्रमादा प्रणयन वापी। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा कि गुरु ने जो है वो बचपन में बहुत बार उसका बोध कराया, लेकिन गुरु जी कई बारम्बार आ, लेकिन फिर भी वो जो है नहीं आने की स्थिति थी, चूंकि ये संस्कार और ये स्थिति और ये विश्वास की वो स्थिति नहीं आती, श्रद्धा विश्वास का जो ये क्रम है चलता रहता है, और ये परंपरा जो है जो मोहन संवाद की है, इसलिए वो जो संवाद भाव महाराज बार 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 इस बात को करते हैं कि सृजन जो है वो मोहन संवाद में ही है, बाकी सब तो उसका सदुपयोग है,
और वो समाज जो है कब से चला रहा, वो उन्होंने कहा कि उस ज्योति के रूप में भी, उन्होंने कहा उस दक्षिणा मूर्ति के रूप में भी, और स्वयं भी जब 31 दिसंबर की जो लीला है और उस समय पर जो है अपने को केंद्रित करके भाव महाराज का एक बड़ा ऐसा ऐसा जो है अद्भुत हर चीजों का एक स्वरूप है जो ब्रजवासी में जिन्होंने ये बताया तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसी समस्या आ गई कि हमको बाहर जाना पड़ रहा था जीविका उपार्जन के लिए, पठन पाठन के लिए, भाव महाराज ने कहा कि श्री जी का महल छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा कि दो ही तो स्थान है, एक ये श्री जी का महल है और एक श्री जी का सिर्फ राधा बाग है, तो चाहे राधा बाग में रहो, राधा बाग पूरा ब्रह्मांड है और ये श्री जी का महल है, तो वो उतनी दूर तक उस अपने प्रेम की डोरी को वहीं तक जो है बढ़ा देंगी जहां तक तुम जाना चाहो, तो जहां भी रहो श्री राधा बाग का अनुभव करो और ये सोचो कि उनके केंद्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समाधान किया तब तुरंत तैयारी हो गई, परंतु कहने की अगले ही दिन ऐसी कृपा भी हुई जो छिपी हुई कृपा थी बाबा महाराज की कि उनका नियुक्ति जो है वो ब्रज में ही हो गई, जाना ही नहीं पड़ा बाहर। ये अलौकिक कृपा का स्वरूप है। उनसे तो कह दिया कि तुम तैयार रहो, उनको मानसिक रूप से तैयार कर दिया और ये भी सोचा कि तैयार तो रहे लेकिन इनका मन अभी नहीं टिकेगा बाहर जाने के लिए, तो ऐसी कृपा भी कर दी कि अगले दिन एक पास के जो है गाँव में जहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ जूनियर हाई स्कूल की मान्यता जो है वो लंबी थी, वो जूनियर हाई स्कूल की मान्यता जो है स्वतः ही प्रकट हो गई और वहाँ एक प्रसर्जित हो गया, उनकी तैनाती हो गई। तो इस प्रकार का जो ये उनको संरक्षण है, इस प्रकार का जो रसधारा है वो उनकी स्मृतियों में। अब मैं इसको कैसे सुव्यवस्थित करूँ, वो तो आपका जो ये संयम है और आपका जो ये तपस्या है वही उसको जो है एक नया स्वरूप दे सकती है, क्योंकि उसका खाका और उसका जो स्केलेटन फॉर्म वो तो पहले से तय है और आप उसका सेवन कर रहे हैं, परंतु इसको बाबा महाराज की उस माला में पिरोने के लिए, चूंकि सारे के सारे हम ये मोती हैं बाबा के, तो ये उस माला का ही स्वरूप धारण करें, इसमें मोती भी वही है और सूत भी वही है, सूत्र मणि गणा यू, उसमें धागा भी वही है और मणियां भी वही है, अलग अलग नहीं है, इसलिए ये सबका सब कुछ एक ही वासुदेव सर्वम का ही अनुभव कराएगा। ये वैदिक गणित का ये प्रकल्प, शाश्वत भारती का प्रकल्प और बाबा महाराज की वो रसधारा और जो है वो लोक मंगल के लिए समर्पण और कालजयी चेतना के साथ एकता का जो है ये अनुभव, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जैसे नित्य लीला है वैसे ये प्रक्रिया भी साथ साथ, तो वो किसी को भी निमित्त बनाकर उस जो अभिव्यक्ति को जो है वो निरंतरता प्रदान की रहे हैं। उसमें जो है कोई नाम और रूप का भेद नहीं है, वो तो वेद का जो वास्तविक स्वरूप जो संतों के और बाबा महाराज की कृपा से रहता है कि ऐसा ना हो कि जैसा बीच में होता रहता है कि पढ़ें वेद और करें भेद, तो ये वैदिक गणित जो है उस वेद को मिटाने का काम करते हुए और जो है उसकी स्थापना करें कि सब कुछ एक ही है, उस एकता का अनुभव कराए कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही जो है लीला के लिए एक से अनेक बना हूं, तो ये भेद नहीं समाप्त होता, वो सारा का सारा जो उन्होंने कहा कि ये सारे भेद मेरे रस के संवर्धन के लिए है, ये भेद जो है वो भेद भाव बढ़ाने के लिए नहीं है, भाव का सृजन स्वयं में है, इसलिए व्यवहार के लिए भेद है, लीला के लिए भेद है, लेकिन भाव का जो जगत है उसमें ये अभेद है, उसमें नहीं। आज एक जैसे आपने एक बार स्मरण कराया कि अ से मैं व्यक्त होता हूँ अव्यक्त का, तो ऐसे ही आज मैं उसको सुबह स्मरण में हो रहा था कि आज अष्टमी पर बाबा महाराज से हम ये कहते कि महाराज श्री ये अभाव क्या होता है, तो बाबा महाराज जो कहते कि अभाव का अर्थ है कि जो अ है अकारो अस्मि वर्णानाम, तो वो जो है कि वो जो अ है अभाव में उस अ को मुझे दे दो, फिर भाव ही भाव रहेगा क्योंकि अ मैं हूं, तो अभाव में से अ सारे भाव जो है अ में ही प्रकट होते हैं इसलिए अभाव है, अभाव में सारे भाव समर्पित हो गए इसलिए वो अभाव बन गया, कोई विशेष भाव नहीं, सब भाव उसी में, तो इसलिए उनका संदेश था कि अ मुझे दे दो क्योंकि मैं तो अ ही हूं, अ से ही व्यक्त होता हूं और जब मुझे दुख तो भाव ही भाव रहेगा, अभाव कहाँ रह जाएगा, समर्पण अभाव का समर्पण। इसलिए महाराज यह कहना था कि अंधकार को कोई ढकेल नहीं सकता, अंधकार को हटाया नहीं जा सकता, अंधकार को तो जो है वो प्रकाश की अनुपस्थिति है, इस बोध के आते ही अंधकार जो है विदीर्ण हो जाए, इसलिए जन्म बीत जाएंगे अज्ञानता को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, वो हटेगा नहीं क्योंकि उसको प्रतिस्थापित नहीं होना है, वो तो उसी का स्वरूप ही है, उसी की स्थिति ही है, वो तो उसी की स्थिति है। पूज्य श्री
बोधा जी महाराज के उसमें के माध्यम से भाव महाराज ने स्मरण कराया कि श्री जी जो हैं वो अंधकार में जो है कृष्ण का दर्शन कैसे करती हैं, घोर अंधकार अमावस्या का जिसमें चंद्रमा और सूर्य का कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा भाव जगत है जो बुद्धि की स्तर से आगे की स्थिति है। उन्होंने कहा कि उनको ये भाव आया स्वयं में कि अरे मेरी छाया दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो अंधकार में भी मेरी छाया दिखाई देती है रात्रि में, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा भी होता है तो अपनी छाया दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि उसकी छाया दिखाई नहीं दे रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो सूर्य है वो भी मेरे विरह की अग्नि से नष्ट हो गया, और जब सूर्य नष्ट हो गया चंद्रमा भी नहीं है, तो ना सूर्य ना चंद्रमा, मेरी विरह की अग्नि, उससे केवल ये जो है अंधकार रह गया। अरे अंधकार नहीं है ये तो कृष्ण ही है। उन्होंने कहा कि उस घोर अंधकार में ही श्री जी ने बिना उस अपनी छवि के उसने ही दर्शन किया। इसलिए महाराज का कहना है कि ये सारा का सारा जो सत भी असत भी मैं ही हूँ और उसके परे भी मैं ही हूँ, तो अस्तो मां सद्गम्य है, उस असत में ही से ही वो सत प्रकट होने की स्थिति है। इसलिए सारे के सारे जो कुछ हुआ है अभी तक शिक्षा जगत में और में सब में वो उसी में छिप गया है। चूंकि हुआ क्या कि काल ने उसको जो है आकर के अपना आरोपित कर दिया है, तो इसलिए वो आवरण हटते ही वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जो प्राकट्य है वो सत का ही है। वो तो काल के साथ के आवरण में अज्ञानतावश जो है उसने उसको ढक लिया है। तो इसलिए ये जो प्रकल्प है ये उस रस के साथ जोड़ करके उस जो है आवरण की निवृत्ति करेगा, क्योंकि आवरण की निवृत्ति जो है वो काल स्वयं नहीं कर सकता है, वो कालातीत ही कर सकता है। इसलिए श्री गजेंद्र मोक्ष में भी ये कहलवाया कि मैं इसलिए ये स्तुति नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इस ग्रह से छुड़ा दो, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि ये ग्रह से छूटने के बाद भी जन्म मरण का जो बंधन है और आत्मा के प्रकाश पर आया हुआ जो आवरण है वो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि काल उसको नहीं हटाता है, वो तो काल जो है फिर नई देह में उसके साथ स्थापित कर देता है। इसलिए मैं तो आत्मा के प्रकाश पर आए हुए आवरण से निवृत्ति के लिए निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए आवरण को हटने के लिए ये प्रार्थना है। ये जो शाश्वत भारती का जो प्रकल्प है ये उस आवरण को हटा दे जिसके कारण वो ज्ञान जो है वो रस भूमि की स्पर्श से जो है आच्छादित महसूस कर रहा है। और आपका जो ये डीकोड का जो संदर्भ है ये डीकोड करेगा, जो कोड कर दिया है, कोडेड कर दिया है, क्योंकि इसको छिपाना इसलिए है कि आसुरी प्रवृत्तियां इसके प्रकट होने से पहले इसका जो है दुरुपयोग ना करें, क्योंकि उसके प्राकट्य से पहले ही उसके मरने के लिए जो तैयार हो गए कि मैं तो तुम्हारे आठवें गर्भ को जो समाप्त कर दूंगा, अभी जन्मा नहीं है लेकिन समाप्त करने के लिए तैयारी हो गई है। कहने लगे तुम देखो कि मेरे प्राकट्य से पहले मेरे जो है मार्ग की तैयारी हो गई है, तो मेरे सारे के सारे रूपों की क्या स्थिति होगी, तो इसलिए मैं उसको जो है विभिन्न रूपों से बचाने के लिए ही ये लीला करता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि उन्होंने उस सब सारे के सारे को उसको इन पांडुलिपि में, इस गौचारण में, इन लीलाओं में जो है ऐसा जो है वो पिरो दिया है कि जो उसका सदुपयोग करने के लिए हो, जो उस पात्रता की स्थिति में हो, उसी के लिए वो खुलेगा, नहीं तो वो स्वयं ही अपनी रक्षा करता रहे, स्वयं ही रक्षा करता रहे। आपकी कृपा से गुरु महाराज की महाराज जी आप भी तो संबोधन कर देंगे तो आनंद होगा ना, बहुत आनंद होगा। जन्माष्टमी की मुबारक, आपकी कृपा से भी तो कुछ हो ना, होगा होगा। नहीं, इसके बाद आप बाकियों को भी साथ ले लीजिए, फिर आगे से संवाद के रूप में करते रहेंगे। और भी जो हैं जो और भी इसको? जो और भी आपके साथ के हैं उनको साथ लेके दो दो में करके फिर संवाद भी चलता रहेगा और दोनों के करते रहेंगे। वृंदावन में जो और हैं या जो भी और भी आपके साथ हैं सबको तो भी बारी बारी, लेकिन ऐसा है ना कि पहले इसको जो है, पर उसका क्या होगा कि फिर वो एक नया वो तैयार हो जाएगा, उस पर जो है किंतु परंतु जो है वो शुरू हो जाता है। नहीं, नहीं, पहले उसको आपके माध्यम से केवल मेमोरी बाबा के ससमरण बस, कुछ नहीं और, इसके अलावा कुछ नहीं सिवाय बाबा के ससमरण। और जो कुछ बाबा का जिस रूप में भी है वो दिखाया जा सके, अपने पास लिया दिखाने दिखाने के लिए, इससे फालतू अपना कोई ना समय है, ना अपनी इच्छा है, ना हमारी जरूरत है, ना हमारा मार्ग है। वो हम तो केवल ससमरण सुनने के इच्छुक हैं, किसी को आनंद लेने के लिए हैं, इससे आगे कुछ नहीं, केवल बाबा का नाम सुनते रहेंगे
जिसके भी मुख से सुनते रहेंगे और जिस जिसने भी जितना जितना वो आनंद ले रखा है वो अकेले के लिए नर के बांट दे बस उतने सुनने के लिए। ये संकीर्तन की ये जो वैदिक गणित की जो विधा जो उनका आशीर्वाद है ये भी तो लोक मंगल के लिए समर्पित हो रहा है ना। होगा होगा पर इसकी दिशा और है, इसका स्थान और है, इसके लिए इसका भाग्य और है, ये इसकी सब कुछ बना हुआ है पहले ही, सब अपने आप में रूप में होना है। अब तो केवल इतना है कि बाबा के बारे में जितना कुछ जिसके पास भी आनंद है वो हम भी थोड़ा थोड़ा ले लें उनसे, केवल इतना, इससे ऊपर नहीं कुछ। तो आपके पास जो भी कुछ सुना दीजिए आप, आपके पास तो बहुत अच्छा अच्छा स्मरण है, आप कुछ बहुत कंठस्थ है आपको, इसका सदुपयोग तो आपके माध्यम से ही होगा ना। सदुपयोग सदुपयोग तो केवल इतना है, हमने दे दिया जी, जिसको आनंद लेना है ले लेंगे। इसका सदुपयोग जब दे दिया वेबसाइट पे यूट्यूब पे चला जाएगा तो सब अपने आप ले लेंगे, जिसको जितना जितना लेना है। तो कुछ सुनाइए, कुछ गा के सुनाइए, गाने का तो कुछ कुछ विष्णु सहस्त्रनाम सुनाइए, कुछ और सुनाइए, चार पंक्तियां। हाँ किशोरी जी का। हाँ जी जी अब वो क्या है कि अब ऐसा कोई उसके साथ का जो स्वरूप है आज नंदलाला का स्वरूप है ना। हाँ वही तो हाँ उसमें आता है, शरण रह गोपाल की तुझे किस बात की चिंता, शरण रह गोपाल की तुझे किस बात की चिंता, तू भजन कर मगन मन से उसे हर बात की चिंता, उसे हर बात की चिंता, वो देता है जल के जीवों को, वो देता है थल के जीवों को, वो देता है नब के जीवों को, उसे हर जात की चिंता, तू भजन कर मगन मन से, हुआ था जन्म जब तेरा, दिया था दूध आंचल में, हुआ था जन्म जब तेरा, दिया था दूध आंचल में, मिला है शाम का भोजन, क्यों करे प्रभात की चिंता, तू भजन कर मगन मन से, उसे हर बात की चिंता।